आपल्या दोन मुलांना शाळेत जाण्यासाठी वडील एका ऑटोने जात असताना मालवाहू ट्रकने ऑटोला जोरदार धडक दिली. या अपघातात एका इसमासह ऑटो चालकाला किरकोळ मार लागला असून सुदैवाने दोन्ही विद्यार्थी बचावले आहेत. ही घटना बुधवारी सकाळी 11 वाजताच्या दरम्यान मोरबाग ते अरुण वसतिगृह दरम्यान घडली. घटना घडल्यानंतर काहीच वेळाने ट्रक चालकाने ट्रक रस्त्यावर काढून तात्काळ पोबारा केला. घटनास्थळी वाहतूक पोलीस कर्मचारीसह सिटी कोतवाली पोलीस दाखल झालेत. या रस्त्यावर विनापरवानगीने अनेक ट्रान्सपोर्ट गॅरेजसह दुकानाचे बांधकाम केले असल्याने अपघाताला निमंत्रण मिळत आहे. याच रस्त्याने अनेक विद्यार्थी कामगार जात असल्याने पोलीस प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिक करीत आहेत. नो एंट्री कवापासून लागते? नो एंट्री ते नाही आहे वो अंदर ही था पहिली ऑलरेडी अंदर काही गॅरेज मे था गॅरेज के निकल के टाइम में ऐसा हादसा हुआ हम लोग वहाँ नो एंट्री फिट रहे थे उधर से कोई नहीं आया कोई गाड़ी नहीं आती उधर से लेकिन ये अंदर पहली थी मोदी और इधर से निकल ये जो ये पूरा ट्रक आ रहे जो है ये पहले ऑलरेडी सवेरे 6 बजे के अंदर में आए हुए हैं और गैरेज में उन्होंने लगाया अभी माल खाली कर रहे हो. नो एंट्री कब से कब तक यहाँ? नो एंट्री सवेरे 6 बजे लेकर रात के 9 बजे तक इधर कोई गाड़ी नहीं. तो ये अभी जो गाड़ियाँ जो चल रही फिर रही है तो इसको इस पर कार्रवाई छोटी गाड़ी से यापी वगैरह जो छोटे गाड़ी को नहीं गया. हाँ छोटे गाड़ी से जा सकती है सब कुछ नहीं. अच्छा लेकिन बड़ी गाड़ी जो है फोर व्हीलर 6 चक्का 10 चक्का ये गाड़ी को नो एंट्री टोटली इधर कोई गाड़ी नहीं. और ये जो गाड़ी वो हादसा हुआ ये अभी ये यहाँ से कोई माल खाली करेंगे उसमें और निकलते टाइम में हम मार्केट रिवर्स करते टाइम में उसको ये ऑटो वाले से लग गया था हमें तो वो अभी निकल गया हुआ.